वेलकम टू माई क्लास गुप्ता अकैडमी मलोट चैनल। हाँ जी, मेरे पिछले वीडियो में तुसीं मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट का टॉपिक किया सी, जो कि बहुत इंपोर्टेंट सी अपने मास्टर कैडर लिए। अज मैं उस दे बेस पर कुछ एमसीक्यू कराने जा रहा मैट्रिक्स डिटरमीनेंट के बेस पर, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछे भी जा चुके हैं। हाँ जी, जिदे फस्ट एमसीक्यू है, इफ ए इज अ सिमिलर मैट्रिक्स दैन एडजॉइंट ए इज। जे कोई ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ए किस दे बराबर होएगा? सिंगुलर होएगा, नॉन सिंगुलर होएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगा या नल मैट्रिक्स होएगा? हाँ जी, आप सॉल्व कर लें। सिंगुलर मैट्रिक्स की होंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी अपने कोल मैट्रिक्स ए है, जे उसका डिटरमीनेंट जीरो आ जाता है तो उसनूं आपां सिंगुलर मैट्रिक्स कहने। नॉन सिंगुलर की होंगे? जिसका डिटरमीनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है उसनूं आपां नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह दें। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए दे इक्वल आ जाए वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो नल मैट्रिक्स की होंगे? जीरो मैट्रिक्स नूं आपां नल मैट्रिक्स कह दिंदे आ, जीरो 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 जीरो, ये अपने कोल की है नल मैट्रिक्स है, जां इसनूं आपां जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इन्हां चों आपां हुण कंडीशन अपलाई करके देख लैंदे आ। फस्ट कंडीशन आपां डिटरमीनेंट इक्वल टू जीरो करके देख लैंदे आ। एडजॉइंट है जे सिंगुलर है तो डिटरमीनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। कोई भी मैट्रिक्स अपने कोल ए गिवन है जिहदा एडजॉइंट पता करना है, एडजॉइंट ए दा डिटरमीनेंट, एक प्रॉपर्टी सी एडजॉइंट ए डिटरमीनेंट इज इक्वल टू डिटरमीनेंट ऑफ ए रेज पावर एन माइनस वन। इन्दे विच एन की सी? एन अपने कोल कोई भी मैट्रिक्स दा ऑर्डर हो सकता है। हाँ जी, जे डिटरमीनेंट इक्वल टू जीरो है आ कंडीशन इतने सैटिस्फाइड होएगी, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो रेज पावर एन माइनस वन। जीरो दी कोई भी पावर कर दिए तो उसका आंसर जीरो ही रहेगा, तो एडजॉइंट ए डिटरमीनेंट इज इक्वल टू जीरो आ गया। जे जीरो आ गया तो फस्ट कंडीशन अपने कोल फॉलो कर रही है, तो इसका की है जो अपने कोल ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपने कोल करेक्ट हो जाएगी। नाउ कम टू द सेकेंड एमसीक्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमीनेंट ऑफ सिकेंट एक्स टेन एक्स टेन एक्स सिकेंट एक्स का की होएगा? जीरो होएगा, वन सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सिकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। डिटरमीनेंट है यू नो वेरी वेल टू फाइंड आउट। हाँ जी, डिटरमीनेंट रह लें सिकेंट स्केयर एक्स माइनस टेन स्केयर एक्स। हुण आपां नूं एक फॉर्मूला टेंथ क्लास च कीता सी, फार्मूला होंगे सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन। ए ट्रिग्नोमैट्रिक प्रॉपर्टी अपने कोल। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल? वन। तो ऑप्शन बी करैक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा अपने कोल। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच डैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए देन ए स्केयर इज। तो ए स्केयर की वैल्यू अपने कोल की हो जाएगी? ए बी टू टाइम बी ए, ए और बी चेक करके देख लें। कोई अपने कोल मैट्रिक्स दिता हुआ, अपने कोल ए ते बी दो मैट्रिसेस है, आप ए स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वाली कंडीशन आप लैके चलते हैं, बी ए इज इक्वल टू ए है, इसनों आप कर दिए प्री मल्टीप्लाई कर दिए मैट्रिक्स ए नाल, बी ए इज इक्वल टू ए डॉट ए। क्लियर? ए बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर, इसनों आप सॉल्व करना है। हुण ए ते बी किदे इक्वल है? ए बी बी मैट्रिक्स दे इक्वल है, इसकी जगह पर आप बी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए स्केयर। हुण बी ए मैट्रिक्स ए दे इक्वल है, इस भी जगह पर आप ए लिख सकते हैं, ए स्केयर आ गया अपने कोल। ए स्केयर की वैल्यू की आ गई जी? अपने कोल ए आ गई, तो ऑप्शन
सी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी सेम क्वेश्चन है अपने को फोर्थ। इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर द मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी देन बी स्केयर। हमने आप ए स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करके आए थे, उन्होंने ऑप्शन तुम सही की थी। हम सेम क्वेश्चन है, इसनों तुम सॉल्व करके तुम कमेंट सैक्शन में दसना है इसकी ऑप्शन ए आएगी बी आएगी सी आएगी कि डी आएगी। इसनों तुम कमेंट सैक्शन के कमेंट करके जरूर दसना है। फिफ्थ एमसीक्यू फॉर अ मैट्रिक्स 3x3 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 दैन एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट कि होगा -4 -81 लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन च किया एक प्रॉपर्टी सी अपने को एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर एन -1 एन अपने को सी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये ऑर्डर अपने को कितना दिता हुआ 3 दिता हुआ एन की वैल्यू 3 फिल कर दें। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए 4 रेज पावर 3 -1 एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 रेज पावर 2 देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 16 सॉरी एदे विच ऑप्शन अपने कोल 16 एक तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। डी ऑप्शन अपने कोल करैक्ट हो जाएगी, डी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then determinant of A is तो उसका डिटरमिनेंट कितना होएगा 0 1 ऑप्शन ले सकते हो तुसी -1 एंड डी आइदर 1 और माइनस वन। मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होंगी है जे ऑर्थोगन मैट्रिक्स होवे 4 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कोई भी है उसका डिटरमिनेंट आइदर -1 और 1 ही होंगे तो अपने को इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम ऑप्शन चो वेख के सीधा डायरेक्ट टिक कर सकते हो तो अपने को डी ऑप्शन करैक्ट आ जाएगी। यस सेवंथ क्वेश्चन इफ ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 है डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 है देन डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम ए बी इज कितना होएगा -9 -81 -27 और 81 इन चार ऑप्शन चो कि ऑप्शन करैक्ट होएगी। हाँ जी एक अपने को दिता हुआ है डिटरमिनेंट ए -1 के इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 के इक्वल गिवन है तो आप की करिए डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम ए बी आप फाइंड आउट करना है तैनू की लग सकते हैं एक प्रॉपर्टी की थी आप जिदे विच कोई भी मैट्रिक्स के दे कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसका स्केलर मल्टीपल है तो मल्टीपल स्केलर मल्टीपल की पावर एन एन की अपने को ऑर्डर ऑर्डर अपने को 3 है स्केलर मल्टीपल की पावर बाहर आ जाएगी एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। हाँ जी स्केलर मल्टीपल 3 ऑर्डर 3 रेज पावर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस इज 27 मल्टीप्लाई ए -1 तो अपने को कितना आ गया आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी
बी डिटरमीनेंट अपने कोल 3 दिता हो अपने कोल 27 मल्टीप्लाई माइनस 3 दैन आंसर इज माइनस 81 ऑप्शन बी इज करैक्ट बी ऑप्शन अपने कोल करैक्ट हो जाएगी। हाँ जी आज दे लैक्चर विच आपां इन्ना ही करांगे। जे थोनू ये वीडियो पसंद आई है तो इसनू वध तों वध लाइक करो शेयर करो सबसक्राइब करो एंड प्रेस द बैल आइकॉन टू गैट द नोटिफिकेशन।